रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जो गर्मी होगी इस वक्त ज़्यादा, और जो मेरे बतख के बच्चे हैं ना वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, हमें और खाने के लिए दो तो मैं उनको दे लूँ खाना। तो आप लोगों के साथ भी करती हूँ शेयर, देखिएगा। मेरे बच्चे आपको शायद नजर आ रहे हैं। सबके सब खा रहे हैं बॉइल्ड राइस, मैंने उनके लिए बनाए थे। चलो जी आगे चलो। आगे चला के चला के चला के चलते ज़्यादा आगे चल। देखा आपने, ये खा रहे हैं जी सारे के सारे यहाँ पे खाना, नज़र आ रहा है। झाड़ू लगा के ने दोबारा से दिए, क्योंकि सब मेरे पीछे घूम रहे थे और वो उनको तो दिए दिए, बाकी सारे भी आ गए। चूज़े भी हैं, बड़े बतख के बच्चे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं, और ये भी है। अरे छुट्टू क्या खा ना, तो जा जाके खा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं इतने ज़्यादा। और कबूतर जो है वो मैं करने लगी हूँ ख़त्म, क्योंकि अब माशाल्लाह चूज़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर इनका खाना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए भी और इनके लिए भी, क्योंकि फिर इतनी इनकम नहीं है। अगर इनकम अच्छी हो तो बंदा सब कुछ रख सकता है, बाकी जब चैनल हो जाएगा मोनेटाइज, इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ रखेंगे। और क्योंकि शौक़ तो मुझे वैसे भी है हर किस्म के परिंदे जानवर रखने का, तो जब इनकम स्टार्ट होगी तो हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे तो हर चीज़ रखेंगे घर में। फ़िलहाल मजबूरी है इसलिए अब नहीं रख सक रही, क्योंकि अभी कबूतर को करेंगे हम ख़त्म। तो अभी जो है ना सिर्फ यही हमारे पास रह जाएंगे। और एक बुरी खबर भी आप लोगों से शेयर करनी थी, अभी उनको मैंने फेंक दिया, अच्छा नहीं लगा, मतलब बाहर दबा आई हूँ ज़मीन के अंदर बीमारी की वजह से, ना मेरे तीन चूज़े आ जाते रहे, कुछ समझ नहीं आई। रात को ठीक ठाक थे, सिर्फ थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम थी।